उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती काम आएगी, ये उत्तर प्रदेश की युवाओं के लिए सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि यूपी टेट कब तक होगा, कि यूपी टेट पर ही सुपर टेट का भविष्य टिका हुआ है, क्योंकि जब भी सुपर टेट होगा उसके पहले यूपी टेट परीक्षा जरूर होगी। अब ये दावे भी किए जा सकते हैं कि यूपी टेट तब से कई बार हो रहे हैं पिछले 5 सालों से, क्या सुपर टेट नहीं हुआ है? लेकिन इस बात भी अड़े रहना आपके लिए जरूरी है, और ये जानना भी जरूरी है कि जब भी कभी भी भविष्य में सुपर टेट की परीक्षा होगी उसके पहले यूपी टेट होगा। तो एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर आखिर यूपी टेट की परीक्षा हो क्यों नहीं रही है? तो यूपी टेट परीक्षा 2021 में हुई थी, उसके बाद परीक्षा भी क्यों नहीं हो पा रही है? शिक्षक भर्ती साल हो गया नहीं, क्या इस बार उम्मीद पाला जा सकता है कि अभी अगले चुनाव मतलब विधानसभा के जो चुनाव होगा उस चुनाव तक ये संभावना लगाई जाएगी कि अभी सुपर टेट 3 साल दूर है, 5 साल दूर है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे इस वीडियो में। आज हम यूपी टेट सुपर टेट को लेकर विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो आपके लिए अहम होगा अगर आप उत्तर प्रदेश में बीटीसी बीएड डेलेट करके एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजो है। इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा। पहली बार तो याद रखिएगा यूपी टेट 2021 का परिणाम अभी तक नहीं मिल पाया है, और यह परिणाम तभी मिलेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता। आप देख रहे हैं जुलाई के मध्य में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से आप सभी उत्तर प्रदेश और भारत के सभी के लिए बीटीसी विवाद का जो विवाद है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उस विवाद के समाप्त होते ही उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में भर्ती के पिटारे खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आपने बिहार में देख लिया, शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है, और राजस्थान में देखा रेट के माध्यम से वहां बहाली शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दूसरा भी कारण यह है कि सेवा चयन आयोग जो है, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, उसकी भी गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है, आचार संहिता भी समाप्त हो गया है, और जल्द ही जो उसका प्रारूप है, जो उसका दस्तावेज है, जो उसका ड्राफ्ट है, वो कैबिनेट और सरकार के सामने रखा जाएगा। उस ड्राफ्ट को फाइनल होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में लंबित जो भर्ती है शिक्षा विभाग में, चाहे वो माध्यमिक की हो, हायर की हो, बेसिक हो, इन सभी की क्रमानुसार से एक एक करके इस पर तैयारी जारी हो जाएगी। कई सारे सवाल आप सभी के मन में आ रहे हैं कि सर क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं, किस तरह से क्या होगा, लेकिन इस सभी का भविष्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है। क्योंकि कुछ लोग की मानना यह भी है कि जो बीएड डीएलएड है उन्हें भी पीजीटी पीजीटी का मौका दिया जाए, और कुछ लोग का ये मानना है कि जैसे 2 वर्ष का दोनों का प्रशिक्षण है तो दोनों को समान मौके दिए जाए, दोनों को अपने जो स्किल है, जो अपनी योग्यता एजिबिलिटी से साबित करने का मौका दे, उसके बाद 6 वर्षीय ब्रिज ओवर ब्रिज इस तरह के कोर्स करा ली कराए जा सकते हैं। ऐसा अलग अलग लोगों का मानना तर्क है, अलग अलग लोग अपना तर्क दे रहे हैं। आप बताइए आपका क्या तर्क है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बीटीसी बीएड है, डीएलएड है, तो आप भी बीएलएड है तो आप इस वीडियो में अपना भी तर्क देख दीजिएगा, ताकि हम आप भी जाने कि आपने भी इस बारे में क्या विश्लेषण किया, आपने क्या सोचा है। दूसरी बात यह है कि बार बार भर्तियां जो होती थी वो न्यायालय के चौखट पर जाती थी। जो शिक्षा चयन आयोग जो बन रहा है आप सभी के लिए, इस पर भी सबसे बड़ा चीज यह है कि इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि भर्ती प्रतिवर्ष हो, और जो भर्ती प्रक्रिया हो अधिकतम 8 से 10 माह में समाप्त हो जाए। जैसे भर्ती का विज्ञापन हो, परीक्षा हो, परिणाम है, सेकंड परीक्षा हो, जैसे मुख्य परीक्षा हो, या इंटरव्यू हो, या बिना इंटरव्यू के हो, इस सारी प्रक्रिया को क्रमवार रूप से करने के बाद, ताकि अगली भर्ती की विज्ञापन की जा सके, समय कम लगे, हर अभ्यर्थी को मौका मिल सके। इस दशा में पद थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन जो भर्ती है प्रतिवर्ष जो है ये एक कड़ी के रूप में बनती चली जाएगी। इसलिए इस आयोग की गठन की बात चल रही है, और इस आयोग में गठन से ढेर सारे सवालों के जवाब आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके मन में भी कोई इससे जुड़ा सवाल या प्रश्न है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट में क्या कहानी है। तो जैसे ही यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, उसके बाद जो अगला काम होना है वो यही होना है कि सबसे पहले आपके लिए उत्तर प्रदेश में यूपी टेट परीक्षा संपन्न कराना, और जो यूपी टेट की परीक्षा होगी, इस परीक्षा के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा का दबाव मानी सरकार के ऊपर बनेगा, और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने को मिल सकती है। बड़ी का मतलब यह है कि कुछ लोग का मानना है 2 लाख पदों पर है, कुछ का मानना है 4 लाख पदों पर है, कुछ का मानना है 1 लाख पदों पर है, लेकिन 50,000 के आसपास, 10,000 ऊपर, 10,000 नीचे भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम चुनाव की बात करें, अगर ये लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञप्ति होती है तो भी आपको परीक्षा हो सकता करा लिया जाए, तो परीक्षा बाद में फॉर्म आवेदन करा लिया जाए, या तो अगर अभी नहीं हो पाई तो कम से कम ये मान के चलिए 2 साल के बाद ही आपको भर्ती का चेहरा देखने को मिल सकता है। इसलिए ज्यादातर उम्मीद जो है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में आपने देख रहे हैं कि भर्ती का पिटारा खुल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी UP SSC जो वो भी पिटारा खुलती जा रही है धीरे धीरे, केंद्र की बात करें सेंट्रल में वहां भी भर्ती का पिटारा धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अब बारी है आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में, तो आपको इस बात के लिए मैं आश्वस्त जरूर करना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। जहां से भी पढ़ रहे थे, कहीं से भी पढ़ रहे थे, आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि सुपर टेट अपनी सौगात लेकर जरूर आएगा। जब भी लेकर आएगा, आपके पास समय कम है, बेशक परीक्षा होने के बाद, विज्ञप्ति होने के बाद एक आपको गैप मिल जाए, लेकिन पहली दृष्टिकोण की बात करें, प्रथम दृष्टया आपको इस बात पर फोकस रखना होगा कि सिलेबस पर पूरा कमांड आपको रखना होगा। मेरिट धीरे धीरे हाई जाने वाली है। एक बात प्रश्न पूछा जा रहा है कि नया गठित होने के बाद ज्यादातर परीक्षाओं में
नेगेटिव मार्किंग की भी प्रावधान हो सकती है। जी हाँ, ये भी आप लोग को ध्यान देने योग्य बातें हैं और शायद ये इस भर्ती में ना हो लेकिन आने वाली भर्तियों में आपको नकारात्मक अंक भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, ये इस पर भी बात चल रही है और हो सकता है इस ड्राफ्ट में जो अपनी कमेटी रिपोर्ट दे उसमें भी ये इसका भी प्रावधान किया जा सकता है। तो इस दशा में एक क्वालिफाई मार्क भी आपके सामने चैलेंज है। दूसरी ये है कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अपनी रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। जहां से भी पढ़ रहे थे ज्यादातर उन विषय पर फोकस करिएगा जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं आप इसको स्कोर नहीं कर पाएंगे या आप इसके लिए थोड़ी सी आपको दिक्कत है, समस्या हो रही है। तो ऐसे सभी काम के लिए मेरा ये आपसे निवेदन है और मेरा से सलाह है आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि भर्ती है कि विज्ञप्ति होने के बाद आपके पास समय कम मिलेगा, 150 प्रश्न है और सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़े कुछ चीजें ऐड होंगी और चीजें कुछ निकलेंगी नहीं, प्रक्रिया वही होगी, बस कुछ बदलाव जैसे नकारात्मक होने की बात चली ये भी संभावना है, ऐसा नहीं कि नकारात्मक अंक हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि परीक्षा का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर कठिनाई स्तर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी संख्या बढ़ रही है तो आप जानते हैं कि कठिनाई स्तर बढ़ाई जाएगी। तो इस तरह के जैसे एनसीईआरटी पर फोकस करना, एनसीईआरटी को भी जैसे आपके पास समय है, भर्ती दूर है तो आप एनसीईआरटी को फोकस कर लीजिए और जो टेट परीक्षा नहीं पास है वो टेट पर फोकस कर ले। बार बार ये आ रही मैसेज कि सर टेट के 1/4 अंक जुड़ेंगे, ऐसा कहीं शायद आपने भी कहा होगा और आपके मन में भी ये प्रश्न उठा होगा, ऐसा भी कतई नहीं। इस बात को लेकर पूरी तरह हवाई फायरिंग चल रही, तो हवाई फायरिंग से बचिएगा और कोशिश ये करिएगा सच्चाई से के साथ खड़े रहिए, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के लिए जैसे लर्निंग विद दुर्गेश्वर मेरी भी डेली क्लासेज आती हैं उसको भी पढ़ते रहिएगा, जैसे रात के 9 बजे हैं जीएससी क्लासेज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, शाम के 7 बजे भी आपके लिए क्लासेज शुरू होने जा रही है, कल परसों से आपके लिए कुछ विशेष क्लासेज होंगी वो भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं चाह रहा था अगर आपका कोई चाहते हैं जिस पर कमांड नहीं हो, क्योंकि आप ये जानिए भर्ती की सुविधा शुरू हो चुकी है और आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, इसलिए मैं आपसे ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है, क्योंकि पढ़ लेंगे तो गाली नहीं देगा और ज़्यादा पढ़ लेंगे तो भी गाली नहीं देगा, क्योंकि हमारे बचपन में हमको बताया गया सब कुछ इंसान बांट सकता है लेकिन अपना बुद्धि विवेक अपना ज्ञान नहीं बांट सकता। आपकी मर्जी है, आप चाहे पढ़ें ना पढ़ें, तैयारी करें ना करें आपके ऊपर है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। कुछ लोगों ने गणित के लिए मैसेज किया था, सर गणित में स्कोर नहीं कर पा रहे, गणित मेरा वीक है, गणित मेरा कमजोर है, उसके लिए आज मैं आपसे इस वीडियो में लाइव सेशन में हूँ और इस वीडियो में आपसे चाहूंगा अगर आपको ऐसी समस्या भी कोई लग रही है जिस पर आपको लग रहा है कि सर इस पर आप काम करिए, तो आप लोग कम से कम अगर 200 लोग हो जाए जिसकी संख्या 200 हो, ये निःशुल्क क्लास आप सभी की लोग हो जो आप अभी पढ़ सकते हैं और आपकी मैं इस बच्चे के समय में आपके लिए मैं बेस्ट दूंगा। मुझे जब भी समय मिलता है कि इधर गर्मी की छुट्टी हो जा रही है, मेरे पास एक समय लंबा बच जाएगा, इस समय अगर आप चाहें तो जो भी विषय मुझसे चाहे पढ़ना तो पढ़ लीजिए, मैं तैयार हूँ मैं आपको पढ़ाने के लिए, बस आपको पढ़ना है आपको साथ देना है, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि मैं बार बार कहूंगा रेस में बने रहेगा, सिलेबस को फिर से देखिए और कोशिश करिए सिलेबस के सारे कमांड जितने भी सेक्शन है जितने भी टॉपिक है उसको पूरा कवर करने का प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे उतना सिलेक्शन के आप धीरे धीरे करीब पहुंचेंगे, बाकी आपकी मर्जी, अपना बेस्ट और बेहतर देते रहिएगा। मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी इस वीडियो को धनादन शेयर करें और इसके अलावा भी जैसे सुपर टेट की जो क्लासेज है वो सुपर टेट विद दुर्गेश सर पे चलती है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर निःशुल्क क्लासेज मेरी चलती है, प्रैक्टिस बैच भी चल रही है, स्टडी भी दुर्गेश सर पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, अब बाकी आप घर बैठे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन नोट्स बना लेंगे तो रिवीजन करना आपको जैसे अभी पढ़ ले रहे हैं बाद में रिवीजन करना होता है, ढेर सारी चीजें हो जाती कंटेंट, तो अगर आपका नोट्स रहेगा तो कम समय में आप पूरा रिवीजन कर लेंगे। प्रैक्टिस पर फोकस करिएगा, मैं बार बार आपसे कहूंगा जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उस पर यह कोशिश करिएगा कि उस पर समय कम दीजिएगा, लेकिन जो वीक है इस पर जो सब्जेक्ट है आपका उस पर ज्यादा समय दीजिएगा, प्रैक्टिस थ्योरी दोनों पर काम करिएगा। और बाकी अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है कोई सुझाव है इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है इलर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को शेयर जरूर किया होगा, लाइक भी आपने किया होगा, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा इलर्निंग विद दुर्गेश को, लाइक करके रखिएगा। मेरी निःशुल्क क्लासेज है, मैं गेस्ट के रूप में जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपनी ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इलर्निंग विद दुर्गेश ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको सभी नोट्स सभी क्लासेस सभी वीडियो लेक्चर आपको क्रमवार रूप से डे बाय डे मिलते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। डेली क्लासेज हमारी आती है जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके आप टेलीग्राम पर इलर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सभी का, बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही इलर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म, अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे इलर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी।
e-learning with दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012। आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही e-learning with दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे e-learning with दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। e-learning with दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012।